वीडियो में हम सीखेंगे ज्वाइंट कॉस्ट को अलोकेट करने की एक नेक्स्ट मेथड, जिसका नाम है रिवर्स कॉस्ट मेथड। ठीक है, जैसा नाम है वैसा ही काम है। एक बार समझ लेते हैं, फिर इसका एक एग्जांपल करेंगे तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है। देखिए इसमें क्या लिखा है, इट इज यूज्ड ओनली व्हेन एस्टिमेटेड प्रॉफिट मार्जिन्स आर गिवन इन दी क्वेश्चन। तो यह मेथड केवल तभी यूज होनी है जब आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट मार्जिन्स गिवन हो। जब आपको प्रॉफिट मार्जिन्स गिवन हो तभी यह मेथड यूज होगी। ठीक है सर, कैसे यूज होगी, क्या होता है इसमें समझ लेते हैं। देखिए पहले आप इसको समझिए, अब बताइए नॉर्मली क्या होता है, ज्वाइंट कॉस्ट होती है, उसमें अगर हम फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट जोड़ दें, ठीक है, और सेलिंग एक्सपेंस ऐड कर देते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा, या सिंपल बोलो आप तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक बात है, उसमें आप प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेल्स आ जाएगा। अब अगर मैं इसको उल्टा बोलूं तो क्या प्रॉब्लम है, सेल्स में से आप प्रॉफिट हटा दीजिए, क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, टोटल कॉस्ट में से सेलिंग वाले खर्चे घटा दीजिए, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट घटा दीजिए, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, ज्वाइंट कॉस्ट ही तो बचेगा। तो एक तरीके से रिवर्स कैलकुलेशन इसमें होता है ना। आप चाहो तो इसे ऐसे डायग्राम से समझ सकते हो, जैसे अपन ऐसे समझ लेते हैं, अपन क्या करते हैं, इधर जो खर्चा होता है वो ज्वाइंट कॉस्ट होता है, ठीक है, इधर जो खर्चे होते हैं उन्हें फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट कहा जाता है, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट। यहां पर जो खर्चे होते हैं वो सेलिंग एक्सपेंस होते हैं, मतलब जो आपका फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जो प्रोडक्ट बन जाता है उसको बेचने में कई बार सेलिंग एक्सपेंस लगते हैं, तो वो हो जाएंगे। फिर क्या होता है, आप इन सारे खर्चों में कितने टाइप के खर्चे हैं, तीन टाइप के, ज्वाइंट कॉस्ट, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट और सेलिंग एक्सपेंस, तीन टाइप के खर्चे हैं। इन तीनों खर्चों को क्या करोगे, आप ऐड करोगे, और फिर क्या करोगे, इसमें प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो आपकी सेल्स आ जाएगी। अब अगर आपसे मैं पूछूंगी रिवर्स चल रहा है तो आप क्या करेंगे, आप सेल्स में से पहले प्रॉफिट हटा दीजिए, सेल्स में से पहले प्रॉफिट हटा दीजिए तो बचेगा क्या, टोटल कॉस्ट। उसमें से सेलिंग वाली कॉस्ट भी घटा दीजिए और फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट भी घटा दीजिए, तो ऑटोमेटिकली जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, ज्वाइंट कॉस्ट, है ना। तो इसकी कैलकुलेशन का तरीका मैंने यहां पर भी लिखा है, देखो, सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में से आपको क्या घटाना है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट घटा दिया, अब जो बचा वो क्या हो जाएगा, आपकी टोटल कॉस्ट। उसमें से सेलिंग वाली कॉस्ट हटा दीजिए और फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट डिडक्ट कर दीजिए, तो जो बचेगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ज्वाइंट कॉस्ट हो जाएगा, जो हमें चाहिए। तो भाई ज्वाइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एक और मेथड है, जिसे हकीकत में मेथड नहीं कहना चाहिए, एक तरीके का कैलकुलेशन हो रहा है ये तो, है ना, वो है रिवर्स कॉस्ट मेथड। चलिए इसे एग्जांपल की मदद से समझते हैं, आ जाइए हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पर, देखिए क्या लिखा है इसमें, अ कंपनी मैन्युफैक्चरर्स वन मेन प्रोडक्ट M1, ठीक है, एंड टू बाय प्रोडक्ट B1 एंड B2। तो देखा जाए तो एक तरीके से तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं, M1, B1 और B2, इन तीनों में ही ज्वाइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2013 फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल, ठीक है, टोटल कॉस्ट अप टू सेपरेशन पॉइंट कितना है, 212,400। इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका मतलब ये क्या है, ज्वाइंट कॉस्ट है, ठीक बात है, अप टू सेपरेशन मतलब जब तक की प्रोडक्ट सेपरेट नहीं हो जाती तब तक जो खर्चा हुआ वो 212,400 है, इसका मतलब ये क्या है, ज्वाइंट कॉस्ट है। ठीक है सर, आगे क्या लिखा है, कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन मतलब फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट, M1, B1 और B2, M1 में कुछ भी नहीं लिखा है, B1 में लिखा है 35,000 और B2 में लिखा है 24,000। इसका मतलब ऐसा लगता है कि केवल B1 और B2 को ही फर्दर प्रोसेस किया होगा, क्योंकि उसी में ही फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगी है या कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन लगी है, M1 में तो लगी ही नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट्स किसकी कितनी बनी, M1 4,000, B1 1,800 और B2 3,000, ठीक है, सेलिंग प्राइस गिवन है तीनों का 100, 40 और 30, ठीक है, एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट एज परसेंटेज टू सेल्स वैल्यू, ये आ गया वो पॉइंट जिसकी वजह से ये मेथड हमें लगानी है। जैसे हमने ये देखा हम समझ जाएंगे कि यार हमको कौन सा मेथड लगाना है, रिवर्स कॉस्ट मेथड लगाना है। यहां पर कोई परसेंट गिवन नहीं है, B1 में 20% प्रॉफिट इंक्लूड है और B2 में 30%, और ये काय पर लगना है, सेल्स पर, ठीक है, ओके। आगे क्या लिखा है, सेलिंग एक्सपेंस लिखे, M1 में 20%, B1 में 15%, B2 में 15%, ये परसेंटेज किसका होगा सर, सेल्स वैल्यू का, अगेन बहुत अच्छा, देयर आर नो बिगिनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज, ठीक है,
प्रिपेयर स्टेटमेंट स्विंग, आपको स्टेटमेंट बनाना है जिसमें आपको ज्वाइंट कॉस्ट का लोकेशन बताना है और प्रोडक्ट वाइज एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी फॉर जनवरी 2013। तो बड़े आराम से समझते हैं अपन। देखिए ये रहा हमारा सॉल्यूशन, हेडिंग क्या लिख दिया, अलोकेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। ठीक है, तीन प्रोडक्ट है M1, B1 और B2, तीनों की लिख दी हमने सेल्स। सेल्स कहां से आएगी सर, यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस, यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस। जैसे कि M1 की बात करें तो 4000 यूनिट्स है इनटू सेलिंग प्राइस है 100। ठीक है, B1 में 1800 यूनिट्स है और 40 रुपए सेलिंग प्राइस है, एंड सिमिलरली इन केस ऑफ B2। तो देखिए साहब, M1, B1 और B2 तीनों की सेल्स हमने लिख ली है। फिर बात करते हैं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट M1 का गिवन ही नहीं था, तो M1 को तो मैंने कट लगा दिया, तो M1 के केस में तो ये मेथड लग ही नहीं सकती एक तरीके से, इसमें प्रॉफिट मार्जिन इसका गिवन ही नहीं, तो मैंने कट लगा दिया। ठीक है, अब B1 में 20% इंक्लूड है, तो आप एक काम करिए 72,000 में से 20% हटाकर देख लीजिए, ये आएगा 57,600, ये आ गया। ठीक है, और यहाँ 90,000 में से 30% हटाकर देखिए तो आएगा 63,000 प्रॉफिट हटा दिया। अब जो बचा वो क्या है, टोटल कॉस्ट, या फिर आप कहिए कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक बात है, अब इसमें से क्या करिए, सेलिंग एक्सपेंस हटा दीजिए और फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट घटा दीजिए। यहां तो कुछ आएगा ही नहीं सर, यहां तो कुछ गिवन ही नहीं है M1 के केस में, क्यों, क्योंकि इसमें तो ये मेथड लग ही नहीं पाएगा। सर क्यों नहीं लग पाएगा, क्योंकि इसमें प्रॉफिट परसेंटेज इज नॉट गिवन, है ना। ओके, अभी B1 में अपन क्या करा, 57,600 जो टोटल कॉस्ट है उसमें से फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट हटा दीजिए और सेलिंग एक्सपेंस हटा दीजिए। तो टोटल कॉस्ट में भाई तीन एलिमेंट होने थे, उसमें से दो एलिमेंट हम हटा रहे हैं, कौन कौन से, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट और सेलिंग एक्सपेंस, तो ऑटोमेटिकली जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, ज्वाइंट कॉस्ट। और यही काम हम करेंगे B2 में, 63,000 आपका कॉस्ट ऑफ सेल था, उसमें से फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट 24,000 हटा दी, सेलिंग एक्सपेंस 13,500 हटा दिए, तो ज्वाइंट कॉस्ट बचेगा 25,500। ओके, अब एक और बात सर, ज्वाइंट कॉस्ट अलोकेटेड टू B1 और B2 दोनों मिलाकर कितनी ज्वाइंट कॉस्ट आएगी, मतलब B1 की 11,800 आई और B2 की आई 25,500, इन दोनों का टोटल कितना होगा, सिंपल ऐड कर दीजिए दोनों को, आएगा 37,300। ओके, आगे साहब, ज्वाइंट कॉस्ट अलोकेटेड टू M1 की ज्वाइंट कॉस्ट कितनी होगी, सर सिंपल एक काम करिए, टोटल ज्वाइंट कॉस्ट में से B1 एंड B2 की ज्वाइंट कॉस्ट हटा दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए, डिडक्ट कर दीजिए, टोटल ज्वाइंट कॉस्ट में से B1 और B2 की जो ज्वाइंट कॉस्ट है उसे हटा दीजिए, ऑटोमेटिकली जो ज्वाइंट कॉस्ट बचेगी वो किसकी हो जाएगी, M1 की। तो टोटल है 212,400। सर ये कहां से आया, देख लीजिए आप, देखो गिवन है 212,400 ज्वाइंट कॉस्ट, तो इसमें से क्या करिए, B1 और B2 की ज्वाइंट कॉस्ट हटा दीजिए, कितनी है वो 37,300। ओके, तो जो ज्वाइंट कॉस्ट M1 को मिली वो कितनी हो जाएगी, 175,100। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया रिक्वायरमेंट नंबर 1, हम M1, B1 और B2 की ज्वाइंट कॉस्ट निकाल चुके हैं। ओके, अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 2 की, और इसमें हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, तो भाई हमें तीनों प्रोडक्ट M1, B1 और B2 तीनों का हमें अलग अलग प्रॉफिट बताना है और तीनों का टोटल प्रॉफिट भी बताना है, तो तीनों का अलग अलग प्रॉफिट निकाल लेते हैं फिर लास्ट में तीनों को ऐड कर देंगे, है ना। ओके, तो सेल्स तो अपन ने अभी ऊपर कैलकुलेट की थी पहले स्टेटमेंट में, यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस 4,72,000 और 90,000, सेलिंग एक्सपेंस गिवन है, तीनों में सेलिंग एक्सपेंस गिवन है 80,000, 10,800, 13,500, है ना। फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट M1 में लगी ही नहीं थी, B1 में 35,000 और B2 में 24,000। ठीक है, ज्वाइंट कॉस्ट किसको कितनी एलोकेट हुई थी, ये हमने रिक्वायरमेंट नंबर 1 में निकाला है, 1,75,100, 11,800 और 25,500। अब क्या है सर, सिंपल, सेल्स में से अगर आप तीनों टाइप के खर्चे घटा दोगे, मतलब सेल्स में से आप सारे खर्चे घटा दोगे, तो आपका प्रॉफिट आ चुका होगा कितना, ये आया कितना, 1,44,900, 1,44,900, 14,400 आएगा B1 का और 27,000 आएगा B2 का, तीनों को ऐड करिए तो आएगा 1,86,300। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। ओके,